Now you can check my voice is audible. Listen to this once again. We are given, तब तक आप लोग अपना कैलकुलेट करो. x cos pi x modulus हमें given था minus a to a. तो यहाँ पे हमने क्या किया, minus a to a क्योंकि ये हमारा even function बन रहा है, तो हमने इसको twice of 0 to a ले लिया. modulus के करके this will be an even function, तो twice of 0 to a हमने ले लिया इसको. अब हमने जो हमारा mod में expression given था उसको equal to 0 put किया. इधर x will be equal to 0 और cos pi x equal to 0. जब भी दो का product है equal to 0, तो दोनों में से एक 0 या both of these will be 0. अब x equal to 0, एक मेरे पास critical point ये आ गया. Second है cos pi x equal to 0 and cos में हमें पता है 0 जो हमारी values होती हैं that are on the odd multiples of pi by 2. तो odd multiples pi by 2 यानी कि pi by 2, 3 pi by 2 and 5 pi by 2. pi x equal to pi by 2 हमने put किया, pi से pi आपका cancel out होके we have got x is equal to 1 by 2. जब 3 by put किया तो x equal to 3 by 2. 5 pi by 2 put किया तो x is equal to 5 pi by 2 which is 2.5 जो हमारा upper limit से बड़ा हो जाएगा. तो ये वाला जो है हमने value नहीं लेनी है. तो हमारे पास 3 points आ गए, x equal to 0, x equal to half, x equal to 3 by 2. x equal to 0 हमारी lower limit है, 0 to 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि जब आप a to a limit लेते हो तो that integral is equal to 0. तो first integral हमारा बन गया 0 to half, next बना half to 3 by 2, next बना 3 by 2 to 2 क्योंकि half और 3 by 2 बीच में हमारी values थी. अब यहाँ expressions बताइए, positive आ रहा है कि negative आ रहा है. अब हमने sign check करने हैं x cos pi x के. तो 1 by 4 जब आपने put किया तो दिस इज कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव. तो दिस इज एक्स कॉस पाई एक्स. नेक्स्ट चेक करिए हाफ टू 3 बाय 2, हाफ टू 3 बाय 2 में क्या ले लोगे, 1 ले लो, 1 पुट करो. कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 कॉस पाई, ये है आपका. चाहे इसको सेकंड क्वाड्रेंट के साथ लो, थर्ड के साथ लो, वैसे तो एक्सिस पे है ये, तो बोथ इन बोथ ऑफ दीज क्वाड्रेंट्स कॉस आपका नेगेटिव है, कॉस पाई इज माइनस 1. जब आपने यहाँ पे इसको 1 पुट किया तो मेरे पास ये आ गया 1 इंटू कॉस पाई. कॉस पाई की वैल्यू आपकी माइनस 1 होती है, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, नेगेटिव आ रहा है. तो इट मींस ये एक्सप्रेशन आप क्या लोगे, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स. अब 3 बाय 2 से 2, 1.5 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो. लो पुट करो. अगर मैं लेती हूँ ये, दिस इज योर 3 पाई बाय 2, दैट इज 1.55. हम क्या ले रहे हैं, 1.6. कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स कॉस पाई एक्स. आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि 1.6 है तो वो पाई से आगे आएगा, यहाँ पे ये 1 पाई से 1.55 के बीच में वैल्यूज आ रही हैं. आपने 1 बाय 3 बाय 2 यानी कि 1.5 से 2 के बीच में लिया, लेट अस सपोज आपने 1.6 लिया, तो 1.6 मतलब 1.55 से आगे आ गया. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इट मींस ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो गई. 1.6 ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम प्लस एक्स कॉस पाई एक्स ले, ठीक है. इंटेग्रल सेम वे में लेना है जैसे एक्स साइन पाई एक्स का लिया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. कॉस पाई एक्स का इंटेग्रल होगा क्या, अपॉन पाई, और इधर से देन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना आएगा,
वन और इंटेग्रल ऑफ साइन पाई एक्स बाई पाई आ जाएगा, इसका कॉस पाई एक्स का इंटेग्रल आ जाएगा साइन पाई एक्स बाई पाई। अब फिर से इसका इंटेग्रल लेना है जब हमने, तब क्या बनेगा वो, हाँ तो यह माइनस इंटू माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर। अब लिमिट्स एक आ जाएगी जीरो टू हाफ, अगली सेम एक्सप्रेशन हाफ टू थ्री बाई टू, यहाँ नेगेटिव साइन है ध्यान रखना इस चीज का, देन अगली थ्री बाई टू 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 सेम एक्सप्रेशन और बाहर ट्वाइस आना ही आना, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, क्लियर। बाकी मिसलेनियस के जो आपके क्वेश्चंस हैं दैट आर सिंपल वंस, सो दैट यू विल सॉल्व योर सेल्फ। नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 वी विल डू ऑन 16th ऑफ दिस फेब, ऑनलाइन क्लास होगी आपकी, तो 8:30 to 9:30 क्लास लगेगी आपकी। द सेकेंड विल बी इन द इवनिंग मोस्ट प्रोबेबली 5 o'clock, तो मैनेज योर टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, हाँ जी 16th फेब छुट्टी है, देख लो कौन से वेंसडे आई थिंक रविदास जयंती, इट इज मेंशनड इन द डायरी। अच्छा सुबह 8:30 कौन सा आपका, चलिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेम से पता लग रहा है जिस इक्वेशन, जो आपकी डेरिवेटिव्स की इक्वेशंस बनती हैं दे आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक आप नॉर्मल इक्वेशंस करते आए हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं उनमें आपके डेरिवेटिव्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है मुझे एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्योंकि हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इन्वॉल्व है फंक्शन में, तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आपकी वो होती है जिसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का आप डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स और वाई में यू नो एक्स हम लेके चलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स की हम वैल्यू पुट करते हैं बेस्ड ऑन दैट हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल का लेते हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो आपका इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है, या अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं कि dy by dx वाली फॉर्म अगर इन्वॉल्व है आपकी इक्वेशन में, देन दैट विल बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई। या मुझे मान लो ऐसे गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन डेरिवेटिव्स की इक्वेशन है ये, तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो आपकी हर फील्ड में यूज होती है, चाहे वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जियोलॉजी से रिलेटेड है, तो हर फील्ड में किसी ना किसी वे में वो फंक्शंस जो है मतलब डेरिवेटिव्स के वो यूज होते ही होते हैं। जैसे पॉपुलेशन मतलब जो है वो कहीं पे उससे रिलेटेड हमें कोई डाटा चाहिए तो उसमें दे दिया जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो वहां आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है जो हमारी फर्स्ट थिंग आती है इसमें दैट इज द ऑर्डर एंड द डिग्री। सिंपल सा याद रखना है आपने, ऑर्डर मीन्स कितने ऑर्डर तक हमने उसको डिफरेंशिएट किया है, जो मैक्सिमम ऑर्डर इक्वेशन में आपको गिवन है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वाले में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या आ गया आपका 1। सेकंड वाले में मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2। लेट अस सपोज कि अगर मुझे एक इक्वेशन ऐसे गिवन होती तो ये जो है इसका ऑर्डर क्या आ जाना था, हाईएस्ट जो है इसमें ऑर्डर n है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब मैक्सिमम जितने भी उसको डिफरेंशिएट जितने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया गया है तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट विल गिव यू द ऑर्डर। ठीक है, और उस ऑर्डर की जो मैक्सिमम ऑर्डर गिवन है उसकी जो पावर होगी दैट विल गिव यू द डिग्री। यहाँ पे क्या गिवन है इसका ऑर्डर 1 और इसकी पावर भी क्या है 1, तो डिग्री क्या आ जाएगी 1। इन केस अगर ये मुझे ऐसे गिवन होता x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0,
अब ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑर्डर वन ही रहेगा, ठीक है। और ऑर्डर की पावर आपने चेक की, ऑर्डर की पावर क्या हो गई, टू, तो डिग्री इन दिस केस विल बी टू। ऑर्डर वन होगा, डिग्री टू होगी। मान लो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन इस तरीके से गिवन है, अब इसमें ऑर्डर क्या है, टू, और डिग्री, डिग्री सेम की लेके चलनी है, ठीक है। यही बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, जो आपका मैक्सिमम ऑर्डर गिवन है उसी की पावर चेक करनी है, आपने ओवरऑल पावर नहीं चेक करनी, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर गिवन है उसी की डिग्री चेक करनी है। अब यहाँ पे ये क्या गिवन है, वन गिवन है, तो इट्स डिग्री विल बी वन, ठीक है। सेम में मान लो यहाँ पे मुझे चाहे पावर 100 भी गिवन है, बट क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो एन है, तो डिग्री विल बी वन ओवर हियर। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उनमें डिग्री नॉट डिफाइंड लेके चलते हैं, जहां पे भी टी रेशियो का एंगल आपका डेरिवेटिव की फॉर्म में गिवन होगा, तो उस केस में जो डिग्री है दैट विल नॉट बी डिफाइंड। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा, बट जब आपका ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल में आपका डेरिवेटिव गिवन होगा, एट दैट मोमेंट वी विल से कि इसका जो डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑर्डर के लिए क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, डेरिवेटिव का आंसर है मैक्सिमम वाला, और डिग्री के लिए मैक्सिमम वाले ऑर्डर की पावर ले लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। हाँ हाँ जी हाँ जी। फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, 9.1। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डर और डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, डी टू दी पावर 4y डी एक्स टू दी पावर 4 प्लस साइन वाई, ट्रिपल ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, स्टेटमेंट लिखो, बुक नहीं है ना। हाँ, ऑर्डर 4 हो जाएगा, डिग्री, फिर सुना नहीं मुझे ध्यान से, इट मीन्स है ना 1y, ये है। हाँ जी, अब यहाँ पे y ट्रिपल डैश, देखो y डैश आ गया मीन्स dy/dx, y डबल डैश आ गया मीन्स d2y/dx2, y ट्रिपल डैश मींस d³y/dx³। इससे ऊपर वाले डैश जो है वो नहीं आते, सिर्फ पावर n की फॉर्म में, फिर उसको आप पावर की फॉर्म में लिख लेते हो। लेट अस सपोज कि जैसे d⁴x/4y/dx⁴, तो इसमें 4 डैश जो है वो नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे d⁴y/dx⁴, और इसको अगर मैं रीराइट करूं तो दिस विल बी साइन ऑफ d³y/dx³। अब ये डेरिवेटिव क्या आ गया आपका टी रेशियो के साथ, तो इट मींस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वाले का देखना है, बट उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में वो टी रेशियो वाला एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री क्या, ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे, ऑर्डर विल बी 4 एंड द डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चेक करो, dx/dt⁴ सुन गीजी, +3s d²s/dt² इज इक्वल टू 0। चलो बताओ ऑर्डर क्या है हाईएस्ट, ऑर्डर में क्या चेक करने, मैं पिटाई करने वाली हूँ। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में कितने ऑर्डर तक उसको डिफरेंशिएट किया है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर की ही पावर विल गिव यू डिग्री, तो डिग्री 4 नहीं है, डिग्री 1 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज अपनी अपनी बुक में कल ऑर्डर डिग्री विदाउट पीछे देखे या विदाउट एनी हेल्प खुद करके आओगे, देन वी विल डिस्कस, ओके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, यू आर टू डू द सेम होमवर्क, एक्सरसाइज 9.1 सिर्फ ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड है, दैट यू आर टू डू। सो थैंक